हालेलुया, प्रभु की हजूरी में आप सबका स्वागत है। हम सीधा पहले वचन को निकालेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर की आज योजना के प्रति, परमेश्वर की इच्छा के प्रति। यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह उसका 32 अध्याय उसकी 26 आयत को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप निकाल चुके हैं यिर्मयाह की किताब उसका 32 अध्याय उसकी 26 आयत, तो मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया। उस समय ये यिर्मयाह के पास पहुंचा, यिर्मयाह के पास पहुंचने के बाद आज ये आपके और मेरे पास पहुंचा, तो परमेश्वर क्या कह रहा है? आज वचन जे आपके पास पहुंचा, लेकिन तब ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। बोलो, आज ये वचन, आज का वचन मेरे पास पहुंचा। हालेलुया। बोलो, पवित्र आत्मा के द्वारा आज का वचन मेरे पास पहुंचा। क्या वचन है जो आज आपके पास पहुंचा? परमेश्वर कहता है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर कहता, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तो सबका परमेश्वर हूं। जो कुछ तुम दुनिया पे देख रहे हो, हर एक वस्तु मेरी ही बनाई है, मैं सबका परमेश्वर हूं। कहता, क्या आपसे पूछता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे जब परमेश्वर अपने विषय में आपको ये बताए कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? आप बोलेंगे, सचमुच परमेश्वर तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर मुंह से बोलेंगे तो आपके अंदर फेथ एंटर नहीं करेगा। अगर आप इस वचन को समझ के बोलेंगे, परमेश्वर तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, आज अपने हालातों को देखकर, जो आपकी लाइफ में तंगी, प्रॉब्लम, परेशानी चल रही है उसको देखकर बोलें, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, एक मिनट अपनी आंखों के सामने रखें, अपनी प्रेयर पॉइंट को, अपनी विश को, एक मिनट के लिए। वो आपका बेबी ब्लेसिंग हो सकती है, वो आपकी फाइनेंशियली ब्लेसिंग हो सकती है, वो आपकी मन की शांति हो सकती है, वो आपका भीतरी आनंद हो सकता है, वो प्रभु के लिए एक पवित्र स्थान को प्राप्त करना, प्रार्थना का स्थान प्राप्त करना हो सकता है, वो पाप से छूटना हो सकता है, वो आपका छुटकारा हो सकता है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा हो सकता है, वो आपकी चिंगाई हो सकती है, वो आपकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, वो आपकी मैरिज लाइफ हो सकती है। क्या आपका प्रेयर पॉइंट है? उसे देखकर बोलें, मेरा परमेश्वर तो सब प्राणियों का परमेश्वर है, उसके लिए ये बात कठिन नहीं। उस प्रॉब्लम का नाम लेकर बोलो, उसके लिए बेबी ब्लेसिंग मुश्किल नहीं है देना, उसके लिए मुझे आशीष करना मुश्किल नहीं है, उसको मेरे जीवन से दुष्ट आत्मा निकालना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। सब बोले आमेन, आमेन, आमेन। अगर आपने ये दिल से वचन बोला है तो आप समझ चुके हैं परमेश्वर कितना सामर्थ्य, वो आपकी प्रॉब्लम को हल करेगा। आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो लोग सोचते हैं उनके लाइफ में एक क्वेश्चन, एक कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि मेरे जे हालात क्यों नहीं सुधर रहे। प्रभु सबके जीवन में चमत्कार कर रहा है, मेरे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं कर रहा है? या कई लोग सोचते हैं, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? मैं प्रार्थना कर रही हूं, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? प्रभु के दासों से हम प्रार्थना करवा रहे हैं, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता? मैं प्रार्थना करती हूं, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता? तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मेरे जीवन से ये समस्या क्यों नहीं जा रही, और कुछ लोग ऐसी कंफ्यूजन है कि जो मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, क्या जो शैतान की ओर से है? क्योंकि लिखा है, शैतान परमेश्वर के लोगों को दुख देना, उसका यही काम है, परमेश्वर के लोगों को दुख देना। या कई लोग सोच रहे हैं, क्या मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम है, परिस्थितियां, हालात हैं, बीमारी है, तंगी है, निराशा है, दुख है, तो क्या जे मेरे पाप की गलती के कारण है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, पाप की सजा दुख, बीमारी और मौत है।
तो क्या जे मेरी गलती के कारण मेरे हालात हैं? तीसरी बात, तो कई लोग सोचते क्या जे परमेश्वर की ओर से मेरे लिए एक परीक्षा है, मेरे लिए एक परख है, जब परमेश्वर की जे भुलाहट है मेरे जीवन में। तो जिन भी बातों में आज मैं उनके विषय में बात करने जा रहा हूं जिनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, जिनके जीवन में वो जो सोच रहे मेरी जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार कब करेगा, मेरी प्रार्थना का उत्तर कब करेगा, मुझे कितना इंतजार करना होगा, क्या जी जो मैं इंतजार कर रही हूं गॉड टाइम का जाए ये बात सही है, क्या जे पर शैतान की ओर से मुझे फाइट करनी चाहिए इसके लिए, क्या जे परीक्षा है, क्या जे परख है परमेश्वर की ओर से, क्या जे परमेश्वर की ओर से ताड़ना है मेरी किसी गलती के कारण, क्या जे शैतान की ओर से, क्या जे मेरी बुलाहट है, यही मेरी बुलाहट है कि मेरा विश्वास परखा जाए, क्या है इन विषयों में जिनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा है, जो इच्छा रख रहे हैं परमेश्वर से वो जिनकी जिंदगी में नहीं हो रहा है, तो आज मैं उनसे बात करूंगा और उनकी इस बात का हल परमेश्वर के वचन के द्वारा बताऊंगा। क्या आप तैयार हैं इस बात को सुनने के लिए? हालेलुया। जे शिक्षा जे मैसेज आपके पास होना वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा कोई प्रेयर पॉइंट नहीं है कि हाँ प्रभु ये मेरी लाइफ में क्यों नहीं कर रहा है, पर दूसरों का हो सकता है। कभी दूसरा जब आपके पास आके निराश होकर आपके पास आए तो आपके पास उसके लिए उत्तर होना चाहिए। लेकिन दूसरों की एक दूसरों की उन्नति का कारण बनो। लेकिन जो प्रभु की सेवा करता है परमेश्वर उसका आदर करेगा। हालेलुया। तो आज आपने जानना है, आज मैं इस विषय में बात करूंगा, इस विषय में बात नहीं करूंगा जो शैतान की ओर से है, जहां जे आपकी पाप की ओर से। आज मैं कुछ तीसरे पॉइंट में बात करने वाला हूं कि जे प्रॉब्लम आपकी परमेश्वर की ओर से एक परीक्षा हो सकती है, जहां जे प्रॉब्लम आपके लिए आपकी जे बुलाहट हो सकती है, कि आपकी बुलाहट यही है कि प्रॉब्लम और परिस्थितियों में विश्वास को दिखाना। तो आप कहते हैं ये कैसी बात हुई? आज के वचन के द्वारा आप समझेंगे। और तीसरी बात कि कैसे इस प्रॉब्लम से आपको क्या करना होगा कि आपकी प्रॉब्लम का हल हो, आपकी प्रॉब्लम परमेश्वर की प्रॉब्लम बन जाए, आपकी तकलीफ परमेश्वर की तकलीफ बन जाए, आपका प्रेयर पॉइंट आपका विषय परमेश्वर का विषय बन जाए, आपकी लड़ाई परमेश्वर की लड़ाई बन जाए। तो जब आप पूरी तरह अगर कंफ्यूज हैं, अगर आप चाहते हैं ऐसा हो जाए कि आपकी लड़ाई परमेश्वर की लड़ाई बन जाए, आपकी जो दुष्ट आत्मा से फाइट है वो परमेश्वर की फाइट बन जाए, हालेलुया, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? हालेलुया। एक टाइम में जब हम 73 जबूर में पढ़ते हैं, 73 जबूर को हम पढ़ते हैं, वहां पर दाऊद कहता है जब मैंने देखा दुष्ट ब्लेस हो रहा है, आशीष हो रहा है और धर्मी आशीषित नहीं है, तो इसके विषय में जब मैं कंफ्यूज था, तो जब मैं इसके विषय में ना समझ पाया, जब मैं सोचा, जब मैं कंफ्यूज था कि इसके विषय में क्या प्रभु की इच्छा है, धर्मी दुख पा रहा है, दुष्ट आशीष हो रहा है, ये तो उल्टा है। प्रभु की बाइबल में तो ये लिखा है धर्मी आशीष पाएगा, दुष्ट को उसका सजा मिलेगी, पर ये उल्टा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब वो कंफ्यूज था तो उसने कहा परमेश्वर के करीब रहना मेरे लिए भला है, प्रभु की हजूरी में जाना मेरे लिए भला है। जब वो प्रभु की हजूरी में गया, परमेश्वर ने इस विषय में उससे बात की, इस विषय में प्रभु ने उससे बात की कि जो तू आज दुष्ट को ब्लेस रखता है, देखता है, आज वो शैतान के द्वारा ब्लेस हो रहा है पाप करने के द्वारा, मी आएगा, बारिश आएगा, अंधेरी आएगी, तूफान आएगा, उसका मकान गिर जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे फिसलने वाले स्थानों में रखता है, परंतु धर्मी सर्वदा ऊंचा किया जाएगा, धर्मी परीक्षा के बाद ब्लेस किया जाएगा, आशीष किया जाएगा, तंग मार्ग में धर्मी चल रहा है, आगे जाके जो रास्ता खुलने वाला है, जो उत्तम पदार्थ इसी तंग रास्ते में पाए जाने वाले, जब इसे 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद इसे तकली में तोला जाएगा, दुष्ट को और धर्मी को, जे दुष्ट की 2 साल की ब्लेसिंग ना देख, 3 साल की ब्लेसिंग ना देख। हो सकता है 3 साल तेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है और दुष्ट की लाइफ में 3 साल में बहुत कुछ हो गया, पर जब आप 10 साल की लाइफ को परखेंगे कि जो दुष्ट 3 साल में ब्लेस हो रहा है,
चौथे और पांचवें साल में, छठे साल में वो दुख में जी रहा है और आप उस समय आशीष में जी रहे हैं। ये तो बराबर हो गया। और उसके बाद दुष्ट दुख में ही पड़ा रहा, पर धर्मी को परमेश्वर ने उस दुख से उठाकर अगले लेवल पर खड़ा किया। जब आप 10 साल में तकली में तोलेंगे तो दुष्ट यहां होगा और धर्मी यहां होगा। आज जो दुष्ट आपको यहां नजर आ रहा है, आप पवित्रता में परमेश्वर में चलने के कारण यहां नजर आ रहे हैं। अगर आप 4-5 साल 10 साल में जब देखेंगे, दुष्ट यहां से यहां आ जाएगा और आप यहां से यहां चले जाएंगे और यहां से यहां चले जाएंगे। हालेलुया। तो जब दाऊद को कंफ्यूज था, परमेश्वर ने उससे बात की और उसकी कंफ्यूजन दूर हुई। आज आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि मेरी लाइफ में मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। तो आपको भी क्या करना होगा? परमेश्वर के करीब जाना होगा। हालेलुया। तो कैसे परमेश्वर के करीब जाना, क्या स्टेप आपने लेने हैं और कैसे आपने समझना है कि सचमुच ये परमेश्वर की परख है मेरी बीमारी, क्या जे मेरी भुलाहट है, दुख परमेश्वर की ओर से क्यों होता है, धर्मी पर विपत्तियां क्यों आती हैं, धर्मी क्यों परखा जाता है, प्रभु आपको क्यों परखता है, प्रभु आपको क्यों ताड़ता है, इन सब बातों के विषय में आज हम बात करेंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर आज आपसे कहता है, अगर तू कंफ्यूज है, तू भी इस बात का उत्तर चाहता है, तो एक वचन परमेश्वर कहता है पढ़। इसी पेज में देखे जिर्मिया की किताब, उसका 33 अध्याय उसकी 3 आयत में क्या लिखा है। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु कहता है अगर तू नहीं समझ पा रहा है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आया, मेरे हालात परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से, मेरी पापों के कारण, अगर तू इन बातों के कारण कंफ्यूज है, तो मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। प्रभु कहते मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी समझ नहीं पा रहा है, जिसके विषय में तो कंफ्यूज है कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। क्या मेरी यही भुलाहट है कि मैं दुख को उठाऊं? क्या परमेश्वर यही चाहता मैं एक बीमारी में रहूं? क्या मैं चंगा होऊंगा? क्या मैं एक दिन चंगी होऊंगी? क्या मैं ऐसे ही रहूंगा? क्या जे प्रभु की ओर से, क्या जे शैतान की ओर से, क्या जे मेरे पापों के कारण है, क्या जे मेरी भुलाहट है, क्या जे परमेश्वर की ओर से परख है? तो मुझे क्या करना चाहिए इन हालातों के विषय में? कहते बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, तू केवल मुझसे प्रार्थना कर जिन्हें तू अभी नहीं समझता, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जब आप प्रार्थना करेंगे प्रभु आपको समझाएगा। कुछ दिनों पहले आप प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, प्रभु मेरा पति क्यों नहीं सुधर रहा, प्रभु मेरी आशीष क्यों नहीं हो रही, मैं अपनी लाइफ में स्टैंड क्यों नहीं हो रहा है, मैं बार बार हर काम में फेल क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में सफलता क्यों नहीं आ रही, मेरी लाइफ में ये दुख क्यों आया, मेरी वाइफ क्यों बीमार है, मेरी प्रेगनेंसी क्यों नहीं ठहर रही, मेरे बेबी क्यों नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस बार बार क्यों नहीं चल रहा है, मैं बार बार सेवकाई में सफल क्यों नहीं हो रहा है, मैं आत्मिक जीवन में बार बार क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा हूं, मैं क्यों प्रार्थना में खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, क्यों मैं परमेश्वर में आशीष हो नहीं जाता, क्यों मैं लोगों में बीज बोना चाहता हूं, ऑफरिंग बोना चाहता हूं, प्रभु के कामों को बढ़ाना चाहता हूं, प्रभु की इच्छा यही है कि मैं ये कारण, फिर भी प्रभु मुझे क्यों नहीं आशीष कर रहा है, मैं सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए मांग रहा हूं, फिर भी मेरी लाइफ में क्यों नहीं आ रहा है, क्यों मेरी लाइफ में उत्तर नहीं आ रहा है, जिन बातों के कारण अगर आप कंफ्यूज हैं तो प्रभु कहता मुझसे प्रार्थना कर। आप इन बातों में प्रार्थना कर रहे थे और आज प्रभु वचन के द्वारा आपसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। और इनमें से आपका चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, प्रभु आपसे बात करने वाला है अगर आप रेगुलर वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे मीटिंग्स को सुनेंगे। हालेलुया। शे आयत में लिखा है, 3 को पढ़ाया आपने, जिर्मिया 33 की 6 में लिखा है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर शांति और सच्चाई को प्रकट करूंगा। ये प्रभु का वायदा है कि मैं आपका इलाज करके आपके निवासियों को, इस नगर के लोगों को, आपके नगर के लोगों को, आपको वो आपका इलाज करके वो आपको चंगा करेगा, क्योंकि वो डॉक्टर जीसस है। उसका जो वायदा है, मैं आपको चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई को प्रकट करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई को प्रकट करूंगा। प्रभु कहता मैं नगर के निवासियों को चंगा करूंगा, उन पर शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। तो परमेश्वर के वायदे हैं कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें आशीष करूंगा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर तेरे साथ साथ बनी रहेगी, कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई महारोग तुझे छूने ना पाएगा, शैतान तुझे छू ना पाएगा,
कभी तेरा मुंह काला नहीं होगा, कभी तू शर्मिंदा नहीं होगा, कभी तेरी लाइफ में ऐसा नहीं दुख नहीं आएंगे। मैं तुझे आशीष देने वाला परमेश्वर हूं। बाइबल में बहुत सारे वायदे किए, तो कई बार आप सोचते प्रभु ने अगर इतने वायदे किए हैं तो मेरे जीवन में ये वायदे क्यों नहीं पूरे हो रहे। अगर प्रभु ने कहा मैं चाहता हूं तो सदा चंगा रहे, तो मैं फिर चंगा हो क्यों नहीं रहा हूं? मेरी लाइफ में फिर ये प्रॉब्लम जा क्यों नहीं रही है? ये वचन मेरे जीवन में पूरे क्यों नहीं हो रहे? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, हालेलुया, बाइबल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में वायदे पूरे नहीं। एक प्रभु के दास को लोगों ने बोला कि आपका आपका बेटा क्यों नहीं हील हो रहा है? आप तो लोगों को चंगा करते हो, आपका बेटा क्यों नहीं हो रहा, हील हो रहा है? आपकी प्रॉब्लम जे क्यों नहीं जा रही? उन्होंने कहा जब आप तुम मुझे बता दो कि जब एलिया परमेश्वर की सेवा करता था, प्रभु के प्रॉफिट प्रभु की सेवा करते थे, वो टकला क्यों था? मूसा थथथला क्यों था? और उसका थथलाना पर क्यों नहीं प्रभु ने दूर किया? कहता जब तुम इस बातों का मुझे जवाब दे दोगे तो मैं भी तुझे जवाब दे दूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए आओ हम पढ़ेंगे, कुछ चीजों को आपने पढ़ना है, फिर उसके बाद मैं एक वचन की ओर आपको लेकर जाऊंगा। उससे पहले आप इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय आप पढ़े। जब भी आप किसी तकलीफ में हो, जब भी आप किसी आपको समझ ना आए कुछ कि मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा मेरी लाइफ में, जब भी आप किसी निराशा में हो, घटी में हो, बार बार तकलीफ आपके सहने से बाहर, कई बार लोग मुझे मिलते हैं पास्टर जी मैं सहने से बाहर प्रॉब्लम हो चुकी है, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, हम बिल्कुल कंफ्यूज हैं, हम पूरे प्रेशर में पड़े हुए हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। कई वक्त तो हम वचन को सुनते हैं उत्साह से भर जाते हैं, पर कई वक्त जब हम अकेले होते हैं शैतान हमें डराता है, तू नहीं बचेगा, तेरी डेथ हो जाएगी, तेरे बच्चों का क्या बनेगा, तेरा क्या बनेगा, ऐसे डर डर की बात आ रही, मैं ये कर लूं, मैं वो करूं, ऐसे कई वक्त हमारे जीवन में डर की बातें आती है। तो जब भी आपके साथ ऐसा कभी हो तो इब्रानियों 11 अध्याय और 12 अध्याय, हिब्रू आपने पढ़ना है, 11 अध्याय और 12 अध्याय आपने इसे पढ़ना है। हालेलुया। जब भी हो, चाहे आपने हजार बार पढ़ा है, जब भी आपके ऊपर तकलीफ आए आपने फिर से पढ़ना है, ताकि आप जान पाएं प्रभु की इच्छा इसके विषय में क्या है। हालेलुया। तो अब यहां पर एक में लिखा है आज, अब विश्वास 11 की एक में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो आपने नंबर एक आपके ऊपर, आज मैं विश्वास उनके विषय में बात करूंगा, आपकी लाइफ में प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में जो एक परीक्षा का टाइम है, आपकी लाइफ में दूसरा आपकी जो बुलाहट हो सकती है, समझ रहे ना, आपकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, आपके हालात क्यों नहीं बदल रहे, हो सकता है जे आपकी एक परीक्षा है, हो सकता है जे आपकी बुलाहट है। हालेलुया। आप बोल सकते हैं बुलाहट, दुख उठाऊं ये मेरी बुलाहट हो सकती है। हालेलुया। आप देखें पौलुस की बुलाहट क्या थी, प्रेरित की, पत्रस के ऊपर कलीसिया स्थापित की गई एक अगुए के रूप में, कई दासों को प्रभु ने किस रीति से इस्तेमाल किया, कईयों को किस रीति से इस्तेमाल किया, कईयों को विजन और दर्शन देने के लिए इस्तेमाल किया प्रॉफिट के रूप में, पर कई अयोब जैसे भी थे जिनकी लाइफ में परमेश्वर ने जिनकी बुलाहट की थी कि वो विश्वास जिनका परखा जाए, इतनी आशीष देने के बाद भी और उसके आशीष जो उसकी बुलाहट थी, ब्लेसिंग एक टेस्टमनी थी, पर उसकी बुलाहट आशीष में वो परखा गया, परमेश्वर का जा शैतान उसे परख ले, चाहे तो सब कुछ उसका नाश कर दे, वो मेरा इनकार नहीं करेगा, मुझे इतना भरोसा उसके ऊपर है। तो आप हो सकता है आपकी बुलाहट ऐसी हो सकती है। अय्यूब की बुलाहट क्या थी कि मेरे ऐसे भी लोग हैं मेरे पास, मेरे मुझ पर विश्वास करने वाले, जिनकी लाइफ में कुछ भी दुख आ जाए वो कभी मेरा इनकार नहीं करेंगे। प्रभु ऐसे लोगों को भी दिखाता है, जब लोग चर्च में चंगे नहीं होते, हील नहीं होते, कई मंदबुद्धि हील नहीं होते, कईयों की प्रॉब्लम अभी गई नहीं, बहुतों की जा चुकी है, उनके पड़ोसी की जा चुकी है, उनकी गई नहीं, तो वो उनकी लाइफ में प्रभु ये दिखाता है कि देख अय्यूब की लाइफ में भी दुख आया, उसने कहा परमेश्वर से अगर हम सुख ले सकते हैं, अगर दुख आ गया तो कोई बात नहीं। हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारी आशय होती है, कई बार वो आशय आपका नुकसान हो जाता है, वो आशय आपके जीवन से चली जाती है,
आप क्या कहते हैं, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने वापस ले लिया, परमेश्वर का नाम को धन्य हो, उसने दिया तो उसने वापस ले लिया। आप कुड़कुड़ाते नहीं परमेश्वर के सामने, आप कुड़कुड़ाते नहीं परमेश्वर के सामने। कुड़कुड़ाना क्या चीज है? लिखा, हे मेरे पुत्र, जब पिता तुझे ताड़े, पिता परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात ना जान, परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात ना जान, क्योंकि पिता जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ता है। ताड़ना को हल्की बात लेना मतलब क्या है? कई वक्त आप गलती करते हैं मसीह में होने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद अभी आप पाप करते हो, तो कई वक्त परमेश्वर आपको ताड़ता है, डांटता है। ताड़ना मतलब पनिशमेंट देना नहीं, ताड़ना मतलब ताड़ना, उसे समझाना, उसके कुशल के बारे में सोचना, उसकी उन्नति के बारे में सोचना, उसकी भलाई के विषय में सोचना। ताड़ना का मतलब यह है। एक माता पिता अपने बच्चे को बचपन से उसे ताड़ते हैं, उसे डांटते हैं, उसे मारते हैं, उसे डराते हैं। क्यों? ताजो जे सुधर जाए, गलत संगत में ना जाए, इसका अच्छा भविष्य बने, ये बुराई से दूर रहे, इसलिए उसे ताड़ते हैं। इसलिए परमेश्वर कई वक्त आपको ताड़ना देते हैं। परमेश्वर लिखे, उसकी ताड़ना को हल्के में ना ले। हल्के में लेना पता क्या है? कई वक्त परमेश्वर आपको इसलिए ताड़ते हैं कि आपको उस नरक की आग में ना जलना पड़े, आपको उस बारी दुख को भोगना ना पड़े, इसलिए प्रभु आपकी बातों को ताड़ना देते हैं। अगर आप गलती करते हैं, आपकी लाइफ में उसका कोई असर आता है, आपकी लाइफ में दुख आता है, आपकी लाइफ में प्रेशर आता है, प्रॉब्लम आती है, घटी आती है, और फिर आप दुखी होते हैं उसके कारण। अगर घटी ना आए तो क्या होगा? आप पाप करते रहेंगे, आप गलती करते रहेंगे। अगर उसका रिजल्ट ना आए, आप उस पाप में बढ़ते जाएंगे, आप उस व्यभिचार में बढ़ते जाएंगे, आप ब्लू फिल्म्स देखते जाएंगे, आप लड़कियों को छेड़ते जाएंगे, आप लोगों को धोखा देते जाएंगे, लूटते जाएंगे, झूठ बोलते जाएंगे, गुस्सा करते जाएंगे। अगर उसका असर आपकी लाइफ में नहीं होगा तो आप उसकी लाइफ में बढ़ते जाएंगे। याद रखो, शैतान को परमेश्वर रोक सकता है। जब आप पाप करें, उसकी गलती का सजा आपको मिलनी है, परमेश्वर आपको माफ कर सकता है, उसकी सजा को भी रोक सकता है। जो पाप की सजा आपके ऊपर मिलनी है, वो प्रभु का, प्रभु है न्याय करने वाला, वो परमेश्वर के हाथों में। पर कई वक्त परमेश्वर शैतान को मौका देता है। अय्यूब के लिए शैतान को रोक सकता है, बिना परमेश्वर के शैतान आपको छू नहीं सकता। परमेश्वर ने मौका दिया, जा तो उसे परख ले। तो कई वक्त उस प्रॉब्लम का रिजल्ट आपके ऊपर परमेश्वर आने देता है, जो आपके अंदर आपका विवेक ना मर जाए। कोई नहीं, परमेश्वर ने तो, मैंने पाप किया, मैंने गलत फिल्में देखी, मैंने लड़कियों से गलत रिश्ता किया, मैं चर्च में सेवा भी करता हूं और मैं गलत रिलेशनों में भी हूं, और क्या, प्रभु ने मुझे ताड़ना तो दी नहीं, प्रभु ने तो मुझे कुछ नहीं कहा। मैं वर्शिप भी करता हूं, सेवा भी करता हूं, ड्रम भी बजाता हूं, मैं बीज भी बोता हूं, मैं चर्च में सेवा भी करता हूं, टेंट भी लगाता हूं, ब्लंटर की सेवा करता हूं, मैं पाप भी करता हूं, प्रभु ने तो मुझे कोई सजा नहीं दी। तो आपका मन पाप करने में बढ़ता जाएगा, और एक दिन आपका विवेक मर जाएगा और आप बैकस्लाइड हो जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे, प्रभु का इनकार करेंगे और उस दंड को प्राप्त करेंगे। उस नरक की आग में आप अपने फेथ को खो देंगे और उस नर की आग में जलेंगे। इसीलिए परमेश्वर आपकी कई वक्त ताड़ना करता है। समझ गए आप? जो परमेश्वर की ओर से कई वक्त ताड़ना होने देता है, शैतान को प्रभु अलाउ करता है कि ठीक है, इसने गलती की, कोई बात नहीं, अब तू जो इसे थोड़ा सा इसे करना है कर, पर लिमिट में आने देता है परिस्थितियों को, हालातों को, लोगों को छूने देता है। हो सकता है शैतान आपको ना छूए, प्रभु लोगों को छूने देता है आपको। जो लोग आपके साथ जुड़े हैं वो आपको धोखा देना शुरू, जो प्रभु की सुरक्षा थी, मान लो आप कहेंगे नहीं 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 ऐसे मैं मानता नहीं हूं कि प्रभु शैतान को हुक्म दे देगा, शैतान को मेरे जिन में काम करने देगा, नहीं नहीं मैं नहीं मानता हूं। चलो ठीक है, नहीं मानते, दूसरी तरफ से देख लो। परमेश्वर की जो सुरक्षा आपके ऊपर बनी हुई है पवित्रता के कारण, आपने गलती की, वो सुरक्षा हट जाएगी। अब आपका भाई तंग करेगा, आपकी फैमिली तंग करेगी, अन्य जाति लोग तंग करेंगे, लोग आपको पैसे में धोखा देंगे, आपके कस्टमर आपका दिमाग खराब करेंगे, आपके बिजनेस में आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, आप गलत डिसीजन ले लोगे। मतलब जो सुरक्षा बनी थी वो सुरक्षा हट चुकी है। तो अब संसार आपको छू रहा है, क्योंकि सारा संसार दुष्ट के बस में पड़ा हुआ है,
अब संसार आपको शुर है। कई लोग मुझे बोलते पास मेरी लाइफ में मेरी फैमिली मुझे अविश्वासी रिश्ते में मसीह से बाहर रिश्ता करने के लिए फोर्स कर रही है, पर मैं प्रभु में रिश्ता कराना चाहती हूँ। पर जब जब मैं फास्टिंग करती हूँ जो मुझे प्रेशर डालते हैं उनका प्रेशर, वो मुझे कॉल नहीं करते, मुझे प्रेशर नहीं मेरी फैमिली करती। पर जब जब मैं फास्टिंग कर चुकी होती हूँ फिर से मेरी फैमिली मेरे ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देती है। मैंने कहा ये बात सच है, क्योंकि जब जब आप आत्मिक स्थान में जाएंगे तो जो जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं वो चीजें प्रभु दूर करेगा। पैसे की घटी, लोगों की प्रेशर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर, लड़कियों लड़कियों के चक्कर, गलत देखने के चक्कर, इधर उधर के चक्कर, पैसे के चक्कर, जो जो चीजें के लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जब जब आप प्रभु के पंखों के नीचे फास्टिंग प्रेयर में जाएंगे वो चीजें आपसे दूर होगी। जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था और मेरी लाइफ में ऐसे लोग आ गए जो मुझे कंफ्यूज कर रहे थे, ऐसे समय आ गए, ऐसे लोग थे, ऐसे हालात थे जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे थे, जिनकी शिक्षा ऐसी थी लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, फास्टिंग रखने की जरूरत नहीं है, मुझे क्रूसर जाने से रोकते थे, मीटिंगों में अपनी भूख के लिए अपनी प्यास को तृप्त करने के लिए मुझे मीटिंगों में जाने से रोकते थे। तो जब मैं प्रेयर में गया तो सब उन लोगों को प्रभु ने मुझे मेरी जीवन से दूर कर दिया, जो लोग मुझे आगे बढ़ने से रोकते थे। कुछ लोग को सदा के लिए दूर कर दिया और कुछ लोगों को प्रभु ने कुछ समय के लिए दूर कर दिया जब मैं आत्मा में मजबूत हो गया, और उस समय उसके बाद फिर से प्रभु ने मेरे जीवन में वो लोग आने दिए, करीब आने दिए। हालेलुया। तो इसलिए जब जब आप प्रेयर करेंगे वो प्रॉब्लम आपके जीवन से दूर होगी, वो हालात आपके जीवन से दूर होंगे। तो जब जब आप कम करते हैं तो फिर से वो चीजें इफेक्ट करती, इसीलिए पाप का असर होता है, ताड़ना मिलती है आपको, असर आना शुरू हो जाता है। प्रभु कहते हैं ठीक है मैं तेरे साथ था, तू पवित्रता में था, तू पवित्रता से बाहर आया, अब मैं देख तुझसे दूर हो गया, अब देख मेरे बिना होलीनेस के बिना तेरी लाइफ क्या है, देख 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 तेरी, जब मैं तेरे साथ था तेरी लाइफ क्या थी, अब तू मैं तेरे साथ नहीं हूं, अब देख तेरी लाइफ क्या है। इसी लेवल में खड़ा रहता तो अब यहां कहां तक होता, उसी पवित्रता में उसी लेवल में खड़ा रहता तो आज तू कहां होता, सोच। प्रभु कहता है सोच सोच सोच, मैंने तुझे जे दिया वो दिया और देने वाला था, तूने पाप क्यों किया। तो ऐसे प्रभु करता है बात। तो ताड़ना को हल्की लेना मतलब कि प्रभु जब ताड़े, आपने गलती की, कुछ ना कुछ गलती की आपने, और उसके बाद आपके ऊपर रिजल्ट आया, उल्टा आप क्या कह रहे हैं उसको हल्के में ना लेना, हल्के में लेना, उल्टा आपको उस ताड़ना को देकर पश्चाताप करना चाहिए, घुटने टेकने चाहिए, प्रभु के भवन में जाना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, बलिदान चढ़ाने चाहिए, अपने शरीर को बलिदान चढ़ाना चाहिए, भेंटे चढ़ानी चाहिए, नम्र होना चाहिए। आप उल्टा परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाते हो, प्रभु मेरी लाइफ में ये क्यों आया, प्रभु मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही, प्रभु मुझ में क्या कमी है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों नहीं जा रही, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों आई, परमेश्वर क्यों, प्रभु एक महीना देखना है ठीक हीलिंग होगी ठीक है, नहीं तो आप चले पुराने अपन मूर्तियां देखो, एक महीना चेक करना तेनू। मतलब लोग ऐसे कुड़कुड़ाते, हल्के में लेना, एक तो प्रभु आप डांटे और उसमें पश्चाताप ना करना, इसके लिखा हल्के में लेना, कुड़कुड़ाना प्रभु के सामने, समझना ना कि जे मेरी एक ताड़ना है, मैंने इसमें पश्चाताप करना है, कहना है ही परमेश्वर। जब जब भी लोगों के ऊपर संकट आया पुराने नियम में देखते हैं, जो ना नबी के द्वारा प्रभु ने संदेश भेजा मैं इस नगर को नाश करने वाला हूं, लेकिन उन्होंने टाट ओढ़ लिए, दुनिया से मुंह फेर लिया। जब भी आपके संकट में आए आप ये काम कर सकते हैं, टाट ओढ़ लिए, राख में चले गए, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, सभी अपने त्यौहार छोड़ दिए, काम एक्साइटमेंट की बातें छोड़ दी और प्रभु के सामने घुटने टेके मन फिराया, प्रभु ने अपनी सोच बदल ली। हिजकिय्याह को प्रभु ने कहा तेरी उम्र खत्म हुई, उसने टाट ओढ़े, दुनिया से मुंह फेरा, राख में गया, अलग हुआ और कहा प्रभु देख मैं कैसे खराई से चलता है, प्रभु कहा ठीक चल तेरी 15 साल उम्र और बढ़ी। तो जब जब भी लोगों के ऊपर संकट विपत्तियां आई, लोग प्रभु की हजूरी में गए, प्रभु के संकट के समय मुझे पुकार, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। तो परमेश्वर आपको पुकारता है अपनी हजूरी में, हालेलुया, कि आप उसकी प्रेजेंस में आए, प्रभु उसके विषय में आपसे बात करे, ना कि आप कुड़कुड़ाएं और फाइट करें और लड़े इजरायली, जिस तरह इजरायलियों ने लड़ा कुड़कुड़ाए, परमेश्वर तू यहां पर मरने के लिए ले रहा है हमें, वहां का खाना अच्छा था, वहां का दुख अच्छा था, तू हमें यहां पर अब फिरौन के हाथों में मारे जाएंगे, इससे अच्छा हम गुलामी में अच्छे थे, ये कैसा खाना है, इससे अच्छा तो हमें वहां खाना मिलता था रास्ते में, क्योंकि वो गलती करते थे और प्रभु उन्हें ताड़ना देता था। कई वक्त खाना आ रहा था वो
रुक जाता था, आशीष आ रही है रुक जाती थी, इंतजाम हो रहा है रुक जाता था, और वो कंप्लेंट करना शुरू कर देते पश्चाताप करने के बजाय, प्रभु ये क्यों ये क्यों ये क्यों। ऐसे आप कभी ना करें। एक सुबह मैं अपने जीवन में एक चीज देख रहा था, मेरी लाइफ में कुछ भी आए, कैसे भी समय आए, दुख के समय आए, खुशी के समय आए, कैसे भी घटी के समय आए, डाउन समय आए, अप समय आए, मैं कभी परमेश्वर के सामने बोला नहीं, कुड़कुड़ाया नहीं, चुप, साइलेंट, बस साइलेंट। जब आपकी लाइफ में दुख का समय है, साइलेंट, प्रॉब्लम का समय, साइलेंट, साइलेंट, चुप, परमेश्वर के सामने कुछ नहीं, साइलेंट। और जो बोलते हैं पास ही, मेरी लाइफ में ये क्यों, वो क्यों, वो क्यों, वो क्यों, उनको मैं साइलेंट कर देता। बताता हूं जिसके विषय में प्रभु की क्या इच्छा है, साइलेंट, चुप। प्रभु को आपके मुंह में अविश्वास के शब्द ना सुने, प्रभु को आपका दिल डरा हुआ ना नजर आए, जो अविश्वास के जो चिन्ह है। एक व्यक्ति कहता मुझे प्रभु में विश्वास है, पर मेरे मन में फिर भी आ रहा है अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। नहीं नहीं, प्रभु में मुझे पूरा विश्वास है। मैंने कहा विश्वास क्यों, मन में आया ना, दिल में आया? नहीं नहीं, फिर भी वैसे मैं सोच रहा हूं ऐसा दिल में क्यों आ रहा है, अगर ऐसा हुआ वैसा हुआ कैसे होगा, जब ये समय आएगा कैसे कैसे होगा। तो मैंने कहा विश्वास नहीं, विश्वास मुंह से नहीं, दिल में भी विश्वास। प्रभु को दिल तेरा डरा हुआ नहीं चाहिए, तेरे मन में बोझ नहीं प्रभु को नजर आना चाहिए, तेरे मुंह के शब्दों में नेगेटिव शब्द नहीं नजर आने चाहिए। दूसरे का मुंह तो नहीं बोलूंगे, पर अंदर में आप डरे हुए, अंदर से आप चिंता में, मुंह से नहीं निकाल रहे हैं ना प्रभु। आपको दिल, आपका दिल डरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि दिल धोखेबाज है, दिल की मत सुनो। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, बाइबल में लिखा है। इस चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, रोना तो आपको चाहिए नहीं, शैतान हंसता जब आप रोते। आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। तो इसके द्वारा प्रभु, इसका मतलब अगर आप ये नहीं करेंगे, इसका मतलब फेथ में प्रभु करेगा। गॉड टाइम, बेस्ट टाइम, प्रभु की योजना बली है, इसके बाद कुछ बड़ा होने वाला है। अगर वेट है तो ग्रेट है, परमेश्वर की योजना मेरे लिए बली है। ये बातें कुछ भलाई को पैदा करेंगी इसके बाद, ये एक परीक्षा है, इसके बाद अगला लेवल आ रहा है, अगली क्लास आ रही है। रिपोर्ट में आई रिसौली, आप बोलेंगे गुड न्यूज आ गई, अगली टेस्टमनी आ गई, रिपोर्ट में रिसौली, जे जाएगी प्रेयर के द्वारा हम चर्च में गवाही देंगे। आपने ऐसे शब्द बोलने, ऐसा फेथ, ऐसा स्ट्रांग बच्चा प्रभु आपको बनाना चाहता है। हालेलुया।